नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जैसे कि आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मोतिहारी के लखौरा में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है फ्री मेडिकल कैंप जो है वो हुआ था और इसका ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है वो ख्वाव फाउंडेशन था और ख्वाव फाउंडेशन के द्वारा जो है लखौरा में मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ, जहाँ पे इन्होंने योगदान दिया है, मतलब कि वॉलंटियर के रूप में योगदान दिया और काम किया, बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो आज इनको जो है इनके काम को देखते हुए सम्मानित किया गया है। तो हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या काम किया था, कैसे काम किया और इसके बारे में जो हम जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीतन पासवान है और ख्वाब फाउंडेशन से हम जुड़े तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा हुआ कि हम अपने एससी एसटी बच्चे और एससी एसटी समाज को या अन्य समाज को हम अपने सर के गाइडलाइन से और अपने गाइडलाइन से हम चंपारण का नाम रोशन करें। ये बताइए, अभी आपके हाथ में जो सम्मान पत्र है ये आपको क्यों प्रदान किया गया? ये हमारे काम की उपलब्धि पे प्रदान किया गया है। जो हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छे हमारे सम्मानित किया जाता है हमको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या काम किया जिसके बदौलत जो है आपको ये उपलब्धि मिली है? देखिए, समाज में जब से हम लगे हुए हैं यहाँ पे, तब से समाज में अगर कोई दुख बीमारी या कोई भी ऐसा काम होता है, जो लोग हमारे पास आते हैं या मिलते हैं रास्ते में, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो हम दूसरा कुछ नहीं देखते हैं, उनकी सेवा भावना में हम लगे रहते हैं कि वो आदमी कैसे बचे और कैसे अच्छे हों। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं या जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हम कहेंगे कि जिस तरह हम कर रहे हैं उस तरह सारे बच्चे, सारे युवाएं, सारे महिलाएं, सारे हमारे माँ बहनें, सब लोग काम करें कि एक हम लोग चंपारण का नाम रोशन करें। चलिए, साथ ही साथ हमारे ख्वाब फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है मोतिहारी विंग के, वो भी हमारे साथ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टी वाई साहेब सोदर हुआ और मैं ख्वाब फाउंडेशन जिला अध्यक्ष हूँ, मैं एक लेखक और कवि भी हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लखौरा में जो है फ्री मेगा कैंप जो है फ्री मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लखौरा में जो है फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था, जहाँ से 700 से 800 मरीजों को जो है फ्री में इलाज किया गया और दवा भी वितरित किया गया और एक महीना तक जितने भी डॉक्टर मोतिहारी के जो MBBS थे वो जाकर जो इलाज किए, वहाँ पे उनका निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा जो भी वहाँ से मरीज आएंगे। ख्वाब फाउंडेशन जो इस तरह के कार्यक्रम जो है हमेशा करते रहती है और हमेशा इसके लिए तत्पर है कि जो कोरोना काल में जो बीमार हो गए उसको जो है कैसे सही से, ख्वाब फाउंडेशन इस पर अपना ध्यान दिया कि भाई कैसे कोरोना काल में जो लोग बीमार हो चुके हैं, जो पैसा का अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको हम लोग कैसे इलाज करा सकते हैं, MBBS के पास कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए ख्वाब फाउंडेशन ने पहल किया और वहाँ पे लखौरा में कैंप लगाया जिसमें जीतन पासवान जी और भी बहुत सारे युवा वॉलंटियर जो थे वहाँ के स्थानीय और टीम मिल करके काम की, तो जीतन पासवान जी को इसके लिए सम्मानित किया गया है आज। आखिर जीतन जी के कौन से काम को देखते हुए जो आज सम्मानित किया जा रहा है? जीतन पासवान जी जो है पूरे मन दिल से जो है फाउंडेशन के साथ जुड़े रहते हैं और काम करते हैं, दिन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं, इसके लिए इनको ख्वाब फाउंडेशन सम्मानित करती है। ख्वाब फाउंडेशन समय समय पर युवाओं को इसलिए भी सम्मानित करती है ताकि जो युवाओं को हौसला मिले और वो जो आगे बढ़े और समाज को इसी तरह से सहायता मिलती रहे, इसके लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, फ्री मेडिकल कैंप ख्वाब फाउंडेशन ही क्यों कर रहा है? ख्वाब फाउंडेशन हमेशा से उन लोगों के लिए तत्पर है जिनको जो है पूरा विजन अब्दुल कलाम सर के विजन पे काम करती है, जो अक्सर जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है उसको पूरा करने के चक्कर में रहती है। ख्वाब फाउंडेशन सुदूर गांव में जहाँ पे जो गरीब लोग हैं जिनको इलाज कराने में परेशानी होती है, जो MBBS डॉक्टर्स बड़े बड़े डॉक्टर्स पास नहीं पहुँच पाते हैं, ख्वाब फाउंडेशन इसमें पहल करती है, इसलिए ख्वाब फाउंडेशन इस तरह की आयोजन कर पाती है। ख्वाब फाउंडेशन जो विचार सोच है वो किनके द्वारा और कहाँ से उत्पन्न हुआ? ख्वाब फाउंडेशन जो विचार है, फाउंडर मुन्ना कुमार सर जो हैं उन्होंने जो है अब्दुल कलाम सर के विजन पे काम किया और पूरा विजन पे मुख्य रूप से आधारित रहता है, जो गरीब बच्चों को सपना दिखाने का काम करता है और उसी पे मूल रूप से काम करती है, गरीब बच्चों पे, शिक्षा के ऊपर, युवाओं के ऊपर, युवाओं में जो नकारात्मकता भरा रहता है उसके ऊपर काम करती है ख्वाब फाउंडेशन मूल रूप से। आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आपको सम्मान मिला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हमको लग रहा है इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अभी समय दिया, बात किया, तो आपने देख लिया ख्वाब फाउंडेशन के मोतिहारी विंग के अध्यक्ष हमारे साथ TY साहब है और जीतन जी को सम्मानित किया गया। अब आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताइए कि यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, जीतन जी को जो सम्मान मिला या जानकर आपको कैसा मिला,
और आप लोग क्या खौफ फाउंडेशन से जुड़कर काम करना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं समाज देश के लिए काम करना चाहते हैं, आप युवा हैं छात्र हैं, तो आप फटाफट कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।